आज हम सीखेंगे लाइन पर जब भी परमिट होता है और सब स्टेशन के अंदर जब भी मेंटेनेंस करना होता है, तो मेंटेनेंस करते जाते वक्त हम जो है लाइन को पूरी ऑफ करने के बाद में उसे किस तरह से डिस्चार्ज रॉड के माध्यम से चार्ज फ्री करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 11 केवी की लाइन, ठीक है, और इस लाइन में आर फेस, वाई फेस, बी फेस है, और हमारे पास में जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक डिस्चार्ज रॉड है, ठीक है ना। तो इस डिस्चार्ज रॉड की सहायता से हम लाइन को अर्थ कर देंगे। ठीक है, तो कैसे अर्थ करना है हम आपको आज जो चीज इसमें बताएंगे। जैसे कि सपोज आपकी लाइन पूरी ऑफ हो गई कंट्रोल रूम से, ठीक है, आइसोलेटर वगैरह सारी चीजें ओपन हो चुकी है, ठीक है, परमिट भी आपके जो ऑथराइज पर्सन उनके नाम से उनके नाम पे इशू हो चुका है। ठीक है, आफ्टर आप क्या करोगे कि आपके जो डिस्चार्ज रॉड है इन्हें आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन्हें अर्थ करना है। ठीक है, तीनों को यहाँ पर प्रॉपरली अर्थ करना है, जो कि आपकी गारंटी वगैरह होगी, जो कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या रहता है, अर्थ रहता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में क्या रहे? आपकी जो तीनों डिस्चार्ज रॉड रहेगी उनको यहाँ पर कनेक्ट करना है फर्स्ट को, आफ्टर उसको आपको यहाँ पर टाइट करना अच्छे से प्रॉपरली, आपका यहाँ पर भी आपको टाइट करते हुए आना चाहिए, मतलब कि टाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कम हो कंडक्टर के अंदर प्रॉपरली क्या है आपको फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर का है यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज रॉड है इसे भी आपको प्रॉपरली फिक्स करना है, आफ्टर ये थर्ड नंबर की जो है थर्ड कंडक्टर इसे भी आपको फिक्स करना है। ठीक है, क्योंकि हम ये पूरी लाइन पर क्या कर रहे हैं परमिट ले रहे हैं और इसको हमको पूरा मेंटेनेंस करना है। सपोर्ट आपको यहाँ पर इंसुलेटर चेंज करना है या फिर आपको जो इसका जो जंपरिंग रहता है नेक्स्ट पोल के लिए वो वहाँ पर आपको जंपर अगर ब्रेक वगैरह होगा उनको ठीक करना है, तो आपका प्रॉपरली क्या है अर्थिंग प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको क्या होगा कि इनके साथ अगर अर्थ नहीं करते हो आपका जो भी जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको शॉक लगने का खतरा है या हो सकता है कि बेकफिट सप्लाई आपको रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें प्रॉपरली हमारा जो डिस्चार्ज रॉड की सहायता से हमें इन चीज़ों को अर्थ करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो डिस्चार्ज रॉड का ये काम होता है। मुझे लगता है आपको ये आपको चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी हम मेंटेनेंस पे लाइन पर मेंटेनेंस करने जाए काम करने जाए तो हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना है। और अगर आपको समझ में आ सके थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।